हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो पूरा देखिएगा और एक छोटी सी कहानी में जो बताने वाला हूँ, होपफुली ये आपको हेल्प भी कर दे थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गया ट्रेन में और मैं अभी दिल्ली आ चुका हूँ। और ये बेकार सा थोड़ा बैकग्राउंड इग्नोर करना, मेरे पास कोई सेटअप नहीं है और ना ही डेडिकेटेड माइक, इसलिए ट्रेवल का वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं ट्रेन में या रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज होता है और ये जो कैमरा है वो कैप्चर कर लेता है। कैमरा नहीं है, ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल कैप्चर कर लेता है। तो अब वीडियो शुरू करता हूँ। भाई मैं ब्लॉग नहीं करने वाला था, लेकिन ऐसा घटा मेरा, क्या बताएं, हालत खराब हो गई है। अभी गोरखपुर से दिल्ली आ चुका हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, हालत पूरी खराब हो गई है। वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, फिर भी मैं कुछ वीडियो शूट किए हैं। भाई जब हालत इतनी खराब हुई है, क्या बताएं, रिजर्वेशन बोगी में भी ये हालत थी कि हालत पूरी पंचर थी। और फिर मोबाइल की तो ऐसी बची, क्या बताया आपको। अभी पहुंच के मैं बताता हूँ आप लोग को रूम पे क्या हुआ है। वीडियो मैंने बस सोचा था मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे डेडिकेटेड माइक नहीं है मेरे पास, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो नॉइज़ की वजह से मैं सोच रहा था कि वीडियो ना बनाऊँ। बट ऐसा मेरा साथ कुछ ट्रेजेडी हो गया, मुझे वीडियो बनाना पड़ा। जब मैं बाहर निकलते हुए दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए वीडियो बना रहा हूँ। अब जा रहा है मेट्रो, ये रहा मेट्रो इधर का, ये न्यू दिल्ली के जस्ट बगल में ही है दिल्ली मेट्रो। तो यहाँ से पकड़ेंगे हम आज़ादपुर के लिए, फिर रूम पे देन आपको कुछ क्लिप दिखाऊंगा मैं क्या क्या हुआ मेरे साथ। दिस इज ए क्यू ऑफ सिक्योरिटी चेकिंग एट मेट्रो दिल्ली रेलवे स्टेशन। मेट्रो में कभी भी मॉर्निंग के टाइम, बहुत सुबह या बहुत रात को कभी भीड़ नहीं होगी, केवल जो जॉब करने वाले हैं उनकी टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और भीड़ नहीं थी, आराम से आ गया। और ऐसी ट्रेजडी हुई है, क्या बताएं, मैं तो उदास हो गया था। अब घर चल के बताता हूँ आप लोगों को क्या हुआ है, क्या हुआ था। बंद होने वाला चलन, और मैं निकला गोरखपुर से दिल्ली के लिए और मेरे पास रिजर्वेशन की टिकट नहीं थी, और तो इसीलिए मैंने फाइन मार कर आना सही समझा। और आते वक्त मुझे ये हालत हुई, क्या बताए, इतनी भीड़ थी। मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ कि इतनी भीड़ थी कि क्या बताए, हालत पूरी खराब थी वहाँ पे इस रिजर्वेशन होगी। बैठे बैठे कुछ चीज़ें सर्च की कि कितने लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, कितने लोग हवाई जहाज से सफ़र करते हैं। तो मैंने कुछ फैक्ट्स पता किए, उसमें 87% लोग आज तक, मतलब 87% ही, इंडिया के 87% पीपुल ट्रेवल बाई ट्रेन, मतलब कि नियर अबाउट 13% लोग, 13% पीपुल नेवर ट्रेवल बाई ट्रेन। ये समझिए कि वह 13% लोग आज तक कभी हवाई जहाज से भी सफ़र नहीं किए होंगे, ना ही ट्रेन से। तो मतलब 13% लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। और उसके बाद मैंने एरोप्लेन की चेक की, तो उसमें पता चला कि मेरे को ये 2014 का फैक्ट्स, मतलब जो ये बता रहा हूँ 2014 की ये सर्वे है कोई, मतलब किसी वेबसाइट में मेरे को मिल गया, तो उसमें बताया कि 7% पीपुल ट्रेवल बाई एरोप्लेन। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गरीबी अभी हो सकता है। ये फैक्ट्स थोड़ा बड़ा हो तो बढ़ा होगा, क्या 10% या 11% तक पहुंचा होगा, उससे ज़्यादा तो गया नहीं होगा मेरे अनुमान से। आते वक्त मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि अभी मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैं चालू टिकट चालू होगी बहुत बार आता हूँ, और फिर कभी कभी रिजर्वेशन कराता हूँ, कभी नहीं कराता हूँ, और अभी तो एसी में कभी घूमा नहीं। तो एक होता है ना, आप एक चीज़ सोचिएगा, एसी और रिजर्वेशन की बोगी में बस एक का डिफरेंस होता है, मतलब एक ही बोगी इधर रिजर्वेशन की है और इधर एसी बोगी है, बस एक बोगी का ही फर्क है। लेकिन मैंने ये सोच रहा था कि लोग के कई
साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, किसी किसी को तो पुश्तो लग जाते हैं, मतलब कहने का जो जनरेशन लग जाती है, एक दो जनरेशन लग जाती है कि इस कटहरी से उठकर इस कटहरी में आने तक। उसके बाद जो हुआ तो वो तो बहुत ही बुरा हुआ, मेरी रेलवे स्टेशन पे मोबाइल चोरी हो गई। चोरी होने के बाद भाई मैं बहुत ही सैड हो गया, मैं लिटरली यूट्यूब तो नहीं कर पाता क्योंकि एक मेरे मोबाइल चोरी हो चुकी है, जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ चोरी हो चुकी थी, तो वैभव ने मेरे को मोबाइल हेल्प की थोड़ी सी, मेरे पास पैसे नहीं थे मैं मोबाइल खरीद पाऊँ नया, और वो भी 10,000, 8,000, 10,000, 20,000 की, तो उसके बाद वैभव ने मैंने मुझे सस्ते में अपनी मोबाइल दे दी, तो उसके लिए थैंक यू भाई। और उसके बाद अब क्या हुआ, अब तो मेरे पास कोई भी नहीं हेल्प के लिए, तो मैं क्या करता, मैं बंद करता चैनल क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है, अभी जॉब भी नहीं लगी है तो पैसे तो होंगे नहीं, तो कहाँ से खरीदता मैं मोबाइल, तो मैं बंद कर देता, मेरे पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं था, मैं सोच रहा था कि अब यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे, अब मिलने का कोई चांस ही नहीं है मोबाइल, वहाँ बैठे मैं उदास था। किसी तरह मैंने पुलिस की हेल्प ली और जो मेरे को डाउट हुआ जिस पे इस पे चोरी की कि हाँ ये लोग उठा सकते हैं वहाँ से मेरी सीट से मोबाइल जहाँ मैं बैठा था, बस ये समझो कि किसी तरह यूट्यूब चैनल बंद होते होते रह गया मेरा, नहीं तो ये बंद ही हो जाता चैनल, लेकिन किसी तरह मोबाइल मिल गया मेरा, बट इट्स ऑल फाइन वैसे। और फिर ट्रेवल ब्लॉग पूरी बनाएंगे, पूरी अच्छी टाइप की मजा आएगा और घूमते हैं फिर, अभी जल्दी कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ मैं, बताएंगे जल्दी बताएंगे, कुछ आने वाला है नया, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट और कीप स्माइलिंग।